करनाल में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सराफा बाजार स्थित शिव मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर की साफ सफाई की जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सराफा बाजार की ओर से पिछले कई दशकों से महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ करनाल में आयोजित किया जाता है, जिसके चलते श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सराफा बाजार की ओर से शिवरात्रि से 10 दिन पहले हरियाणवी सांग का आयोजन किया जाता है, जो करनाल के रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं, जिसमें आज हरियाणवी सुप्रसिद्ध गायिका राजबाला एन पाठी द्वारा रागनियां प्रस्तुत कर समा बांध दिया गया। वहीं महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सुबह सुबह भव्य प्रभात फेरियों का आयोजन भी किया जा रहा है। मंदिर की ओर से रमेश जिंदल बिरला ने बताया कि इस बार श्री रामलीला भवन से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा लेकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेंगी और श्री सनातन धर्म शिव मंदिर राधा बाजार में पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था रखने वाला ये महापर्व महाशिवरात्रि इस बार भी करनाल में भव्य आयोजन के साथ संपन्न होगा, जिसके चलते विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। लोग तो आपकी तरफ देखते हैं, जो बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे ये लोग, इतने इनकी प्रेरणा से ये काम दोबारा फिर हमने जो पर किस प्रकार के पर्व रहेंगे और जो प्रभात फेरी के आयोजन थे उनकी क्या कुछ देखिए मान्यता है? हाँ, देखिए 1 फरवरी से प्रातः 5 बजे शिव मंदिर पुराना सराफा बाजार से प्रभात फेरी आरंभ होती है। पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए कभी अर्बन स्टेट, कभी गली मोहल्लों में, कभी कॉलोनियों में, सब में जाते हुए वापस फिर हम शिव मंदिर पर ही प्रस्थान करते हैं और इतना भव्य हजारों की संख्या में लोगों ने इसकी आरती कराई है और प्रसाद क्या, भंडारा क्या, फूलों की वर्षा क्या, भजन इतना रंग लगा रखा था, ये भोले बाबा की कृपा है। तो जिसकी वजह से बहुत भव्य से भव्य प्रभात फेरी जो है अब की बार और ज्यादा भव्य निकली है। कार्यक्रम क्या रहेंगे? कार्यक्रम ऐसा है, वैसे तो हमारे कार्यक्रम पहले 10 सांग हो चुके हैं, राजबाला जी का प्रोग्राम भी हो चुका है, कल भव्य शोभा यात्रा जिसमें 1100 महिला कलश उठा रही है, सबसे भव्य और कम से कम भी 30 झांकियां भगवान शंकर की, पार्वती की, गंगा मैया की और भस्मासुर, मतलब दुनिया भर की, मतलब पूरा हमारी अपनी संस्था की तो कमांड जो है वो तो है ही है, जो और भी संस्थाएं हैं उनकी भी झांकियां कल आपको देखने को मिलेगी और सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड से आरंभ होगी और रघुनाथ मंदिर, सदर बाजार, कमेटी चौक और करण गेट और शिव मंदिर पर विश्राम लेंगे और 12 तारीख को एक विशाल भंडारा जो कि शिव मंदिर के प्रांगण में दिया जाएगा 12 से 4 बजे तक।
ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।